सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रैंकर्स वेस बिजार। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 6। क्या है पार्ट 6? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बनाना है। इसका जो है ना, ये जो ऊपर वाला एक कोठा, इसको सारणी बोलते हैं, ये इसका और इसका जो आपको आंसर नहीं दिया रहता, क्योंकि ये आपको अपना मन से बनाना पड़ता है ना, इसलिए आपको आंसर नहीं दिया हुआ। और यहाँ पे देखो ना, ये जो है ना, ये क्रम विनिमय नियम पर चल रहा है। कौन नियम पर? क्रम विनिमय नियम पर। आपको हर एक वीडियो में बता चुके हैं क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, ठीक ना। यहाँ पे देखो ना, माइनस ए है, क्या है माइनस ए है, क्या यहाँ पे माइनस ए है, माइनस ए जब है यहाँ पर, माइनस ए क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, उल्टा, मतलब कि उल्टा पुल्टा हो जाता, ठीक, अदला बदला हो जाता, ठीक ना, एक्सचेंज हो जाता, ठीक, बदल मतलब कि क्या बोलते हैं ना, मतलब आज है, आज क्या है, जैसे कि डेट चेंज होते रहता है ना, उसी तरह यहाँ पे क्या होता है ना, ये सिर्फ चेंज होता है थोड़ा सा थोड़ा। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे माइनस ए, माइनस ए क्या है, ये माइनस ए और प्लस 6। अब यदि इसको, अब यदि इसको हम, यदि इसको हम क्रम विनिमय नियम कन्वर्ट करें, बदले, तो क्या होगा, जैसे ए माइनस प्लस 6 है। अब यदि हम इसको बराबर के उधर जाने के बाद क्या होता है, क्या होता है, जो पहले रहता है वह बाद में आता है, जो बाद में रहता है वह पहले आता है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस 6 हो जाएगा, उसके बाद माइनस ए हो जाएगा, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इस कोठा में क्या होगा, यहाँ पे माइनस ए होगा ना, यहाँ पे क्या क्या होगा, माइनस ए, माइनस ए हो गया, माइनस ए हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या, माइनस 8 है, माइनस 8 है और प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पे क्या जोड़े, इसमें माइनस 8 में क्या जोड़े कि 0 हो जाए। माइनस 8 में यदि संख्या रेखा खींचे और 0 दे दे, बीच में 0 नहीं होता है। अब यदि माइनस, यहाँ पे माइनस 1 ले लो, माइनस 2 ले लो, डॉट 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 कुछ ले लिया। अब यहाँ पे दे दिए माइनस 8, अब इधर दे दिए माइनस 8, यहाँ पे 1 2 दे दिया, यहाँ पे दे दिया 8। यहाँ पे देखो, यदि आप 0 से यहाँ चलिएगा उतना ही टाइम लगेगा, ठीक, 0 से यहाँ तक आने में आपको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 1 से 8 तक। यदि हम 0 से उस साइड दाएं तरफ जाए उतना ही टाइम, मतलब कि दोनों तरफ जाने पर दोनों बराबर होता, ठीक, दोनों बराबर होता। यहाँ पे देखो, जैसे कि माइनस 8 दिया हुआ, अब माइनस 8 दिया हुआ, अब यहाँ तक आने में जैसे कि आपको 8 मिनट टाइम लगता है, कितना लगता है, 8 मिनट टाइम लगता है। अब 0 से इधर जाने में, 0 से 8 तक जाने में भी 8 मिनट लगता है, ठीक, 8 मिनट लग रहा है, मतलब दोनों क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों को बराबर करना है, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यदि माइनस माइनस 8 दे दे, माइनस 8 दे दे और प्लस 8 दे दे, दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा, कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा रे, तो यहाँ पे कितना होगा, कितना होगा, 8 होगा। 8 देने के बाद आपको कितना आंसर निकल के आया, 0। अब यहाँ पे देखो, इसको हल करना है। अब ये जो देखो, यहाँ पर आपको धर लिया, यहाँ पे क्या धर लिया, ये कौन सा रूल पर चल रहा है, ये कौन सा रूल पर चल रहा है, तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा, धरना पड़ेगा, क्या समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको सहचर नियम बता चुके हैं, सहचर, यदि मेरा लेक्चर को आप देखे होंगे तो वहाँ पे आपको बता चुके हैं सहचर नियम। सहचर नियम में क्या होता है ना, वहाँ पे रहता है ए, क्या रहता है ए, उसके बाद क्या होता है ए प्लस बी, और उसके बाद कोष्ठ में रहता है, आपको कोष्ठ में क्या रहता है ए प्लस बी, उसके बाद सी, उसमें क्या होता है कि उल्टा हो जाए, उल्टा कुछ हो, उसमें उल्टा पुल्टा नहीं होता। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको दे देगा, जैसे कि आपको दे दे ए, जैसे इसका सहचर नियम क्या होता है, ए क्या होता है, ए प्लस क्या होता है, ए प्लस बी, और उसके बाद यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा इंक नहीं चल रहा आज, यहाँ पे देखो ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी हुआ, उसके बाद सी हुआ। इसमें क्या था, जैसे इसको कोष्ट में घेर दिया। अब बराबर के उधर जाने के बाद, क्या होता है, बराबर के उधर जाने के बाद आपको ए प्लस बी, उधर क्या होता है सी, ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक, ये होता है
किसका? शासन नियम का फॉर्मूला। क्या होता है ये? शासन नियम का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये हो गया, ठीक, ये कुछ नहीं, ये हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस गोष्ठ में बी प्लस सी। यहाँ पे आने पर क्या हुआ? सी को निकाल दिया, लात मार के निकाल दिया। यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ पर वही हुआ, क्या हुआ? इसके साथ भी। अब बोलता है भैया आपके साथ भी यही हुआ? हाँ, बोलता है कि मेरे साथ भी वही हुआ। क्या हुआ इसके साथ? अब देखो इसका थोड़ा सा इसका दुख दूर कर दो। अरे दूर को, दुख को कौन दूर करेगा? तुम ही ना रे, थोड़ा सा ध्यान देगा तब ना दुख को दूर करेगा। अब यहाँ पे देखो यदि तुम ही दुख में पड़ जाएगा तो दूसरे को क्या निकालेगा? यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या दो प्लस कोष्ठ में क्या है? नौ प्लस माइनस छः। यहाँ पे क्या हुआ? इस कोष्ठ में, इस कोष्ठ में दो प्लस नौ दिया, दो प्लस नौ दिया, दो प्लस नौ देने के बाद इस यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या होगा? माइनस छः आएगा। ठीक, क्या आएगा? माइनस छः। ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको दे रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ? यहाँ पे देखो बराबर में, बराबर में आपको कितना देना है? पंद्रह। बराबर में कितना देना है? पंद्रह। अब पंद्रह में क्या जोड़े कि पंद्रह हो? अब पंद्रह कोई ऐसा संख्या है जो पंद्रह में जो जोड़े वह पंद्रह ही हो? अब यदि हम पंद्रह में, यदि हम पंद्रह में जीरो जोड़े, यदि हम पंद्रह में जीरो जोड़ दे, कितना होगा आंसर? पंद्रह। ये कौन सा रूल पर चल रहा है? ये जो है ना ये चल रहा है योगात्मक प्रतिलोम। ये कौन सा रूल पर चल रहा है? जैसे कि आपको पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें आपको कितना ये सब चीज जो है ना आप पूरा डिटेल्स में बता दिए हैं। ये सब इसको बोलते हैं योज तत्समक। क्या बोलते हैं? योज तत्समक। क्या बोलते हैं? योज तत्समक। तो समक क्या बोलते हैं? योज तत्समक। ये हो गया। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, समझ रहे? ये आप, ये जो है ना बहुत आगे चलकर आपको मतलब कि एक दोस्त की तरह हेल्प करेगा। यदि आप इसको, इसका सूत्र क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस जीरो होता है। इसका फॉर्मूला ए प्लस जीरो इक्वल टू कितना होता है? जीरो। ठीक, ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, मतलब ए प्लस जीरो बराबर ए। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, ये समझ गए, ये समझ गए। अब अगला क्या है? जरा देखो ना, अगला क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ कुछ आपको समझाने के लिए कुछ पेज को उल्टाना पड़ता है, जिसके कारण लेट हो जाता है। ठीक ना, क्या होता है? लेट हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखो निम्नलिखित को जोड़िए। अब जोड़ने वाला आ गया। अब क्या आया? जोड़ने वाला। क्या आया है? जोड़ने वाला। इसमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि यहाँ पे नौ नंबर में है, घटाने और जोड़ने वाला तो आपको हजार बार बता चुके हैं। ठीक, यहाँ पे देखो माइनस पंद्रह है। अब माइनस पंद्रह ए नंबर का है, ए नंबर नौ का ए नंबर है। माइनस अठारह को मतलब इसको जोड़िए, इस दोनों को जोड़ना है। ठीक, अब यदि आप इसको संख्या रेखा पर जोड़े, यदि आप इसको संख्या रेखा पर जोड़े, इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? इसको उतारते चले, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। इसको पहले क्या कीजिए? उतारिए। ठीक, पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद संख्या रेखा खींच दीजिए। संख्या रेखा पर बहुत आसान हो जाए। ठीक ना, यदि आप संख्या रेखा पर इसको हल करते हो तो बहुत ही आसान हो जाए। जैसे कि यहाँ पे माइनस मतलब कि डॉट ले लिए, यहाँ पे एक दो तीन होगा। ठीक, माइनस एक माइनस दो तीन, यहाँ पे ले लिए कितना? ये क्या है? माइनस पंद्रह ले लिए। ठीक, माइनस पंद्रह ले लिए, यहाँ पे पहले माइनस पंद्रह ले लिए। ठीक, माइनस पंद्रह, फिर इसमें होगा क्या? होगा माइनस सोलह, माइनस सत्रह, माइनस अठारह, यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ पे देखो इस दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। ये वाला जो है इस दोनों को जोड़ना है। ठीक ना, अब यहाँ पे क्या होता है? ये जो है कितना है? माइनस पंद्रह। अब यहाँ पे देखो दोनों का चिन्ह जो है, अब चिन्ह क्या है? दोनों का माइनस है, ऋणात्मक है। मतलब यहाँ पे चिन्ह पर कोई ध्यान नहीं देना। यदि दोनों का चिन्ह सेम रहता, जैसे कि यहाँ पे प्लस रहता, इसमें ही प्लस रहता, इसमें प्लस रहता, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता कहीं पे। अब यहाँ पर वही क्या? माइनस है, माइनस है, दोनों में क्या है? क्या है? चिन्ह सेम है, तो कोई इस पर चिन्ह पर यदि इस तरह से आपको, यदि मतलब इस तरह से कंडीशन यदि आपको सिचुएशन में आ जाए
तो वहां पे कुछ मतलब घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि दोनों का चिन्ह सेम रहेगा तो आपको चिन्ह पे उतना फोकस नहीं देना है, आपको सिंपली क्या करना है, पहले दोनों को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद 15 और 18 कितना होता है, 8 5 13, 1 1 2 1 3, ये हो गया। अब देखो दोनों में क्या चिन्ह था, दोनों में क्या चिन्ह था। अब जोड़ने के बाद यदि सेम चिन्ह रहे, यदि सेम चिन्ह रहे जोड़ने के बाद, वही चिन्ह आपको यहाँ लगा देना है, वही चिन्ह क्या करना है, लगा देना। अब यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, माइनस तैंतीस। तो ये हो गया आपका आंसर। अब अगला क्या है, अगला आपको है, अगला है कि बी नंबर में है, बी नंबर में है 25 में से क्या है? माइनस 20। ये तो आपको 10 नंबर का बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे 9 नंबर का बताना है। 9 नंबर में बी का 20 में क्या जोड़ना है, माइनस 17 को जोड़ना है। ठीक, यहाँ पे देखो -20 में 17 को जोड़ना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक, कंफ्यूज क्या करेगा, यहाँ पे माइनस प्लस का थोड़ा सा झमेला है, तो कुछ नहीं करना है, बने रहिए, बिल्कुल बने रहिए, आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, माइनस प्लस का जहाँ झमेला रहो, जहाँ रहे वहाँ पे बस रैंकर स्पेसिफिक जीआर याद कर लेना, कहीं पे दिक्कत नहीं हो, बस मन से दिल से याद करना, ठीक ना, तो आप नहीं दिक्कत होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो पहले क्या करेंगे, पहले माइनस को ढक लेंगे, बस 2 मिनट के लिए, बस थोड़ा सा क्या करेंगे, ढक देंगे। अब यहाँ पे देखो 20 और 17 में कौन बड़ा है, 20 बड़ा है और 17, ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 7 और 20 प्लस 17 37 होता है ना, कितना 37। अब देखो बड़ा वाला में कौन चिन्ह था, बड़ा वाला में माइनस का चिन्ह था, इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपके सामने, आपके घर के सामने क्या है, माइनस सैंतीस इसका आंसर निकल के आया। अब अगला क्या है, नेक्स्ट क्या है, सी नंबर में क्या है, देख दीजिए, बने रहिए बिल्कुल। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या है, प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस 24 में माइनस 16। अब यहाँ पे देखो क्या है, -16। अब इसको जो ना यहाँ पर भी माइनस प्लस का झमेला है, बस बिल्कुल नहीं डरना है, पट्ठा से मार मार के भगाना है इसको, ठीक, समझ रहे हैं, बिल्कुल डरना नहीं है, बस रैंकर जे आर को दिल से याद करना, बस वहाँ पे आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं करना। ठीक, यहाँ पे देखो क्या है, 24 है और माइनस कितना है 16 को ढक लेंगे, 16 को ढकने के बाद आपको क्या होगा, 24 और 16 बचेगा, 24 और 16 को जोड़ लेंगे, 24 और 16 को जोड़ने के बाद कितना होगा, 40, कितना होगा, 6 4 10 2 1 3 1 4। अब देखो बड़ा वाला में कौन चिन्ह था, अब 24 में कौन चिन्ह था, 24 में क्या था, प्लस वाला चिन्ह था, यहाँ पे प्लस है 2 या ना 2, दोनों बात बराबर, इसका क्या होगा, 40 इसका आंसर होगा। आपको सी नंबर का आंसर क्या होगा, 40, और डी नंबर का क्या होगा, डी नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, डी नंबर में है माइनस आठ में पांच को जोड़िए ना बाबा, थोड़े देखो ना क्या होता है ना, यहाँ पे माइनस प्लस का झमेला ज्यादा रहता है। अब क्यों दे रहा है, आपको समझाने के लिए, बस कंफ्यूज होइए बस, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होने देंगे, बस बने रहिए ना बिल्कुल, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे, बस आप दिल से याद करो बस वहां पे आपको कहीं। अब यहाँ पे देखो, अब पहले क्या करेंगे, पहले माइनस को ढक लेंगे ना, उसके बाद 8 बचेगा, उसके बाद 5 बचेगा, दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे 8 5 13। अब दोनों बड़ा वाला में कौन चिन्ह था, बड़ा 5 और 8 में कौन बड़ा है 8, 8 में कौन चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, मतलब यहाँ पे क्या आंसर होगा, यहाँ पे आंसर होगा -13। तो इस तरह से आपको जो है, इसमें आपको क्या बताया, 8 और 9 का खत्म हो चुका है। अब अगला जो होगा उसमें 10 11 और 12 खत्म कर देंगे, लास्ट लेक्चर होगा। तो आज के लिए जो है इतना ही। अब जो है, यदि वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए और अपना दोस्तों के बीच थोड़ा चर्चा कीजिए। अब मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।